हाय गाइज, वेलकम टू टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना, बात कर रहे हैं साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में। आपको बता दें, रश्मिका ने 2016 में जो है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इनकी पहली फिल्म का नाम था क्रिक पार्टी, जहां पे से इन्होंने कभी अपनी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 4 साल के इस करियर में इन्होंने सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। गीता गोविंदम, विस्मा, सारी लेरी ने विक्रू जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली रश्मिका मंदाना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी ये अपनी फ़ोटोज़ के साथ अपने फैंस के साथ इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जो भी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड किए हैं, उन्हें लगातार लाइक्स और कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। आपको बता दें, इसी बीच लॉकडाउन में जो है रश्मिका सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए भी बनी रही क्योंकि इन्होंने अपने 20 वर्कर को पूरे लॉकडाउन में पेड किया, यानी कि खुद काम ना करते हुए भी इन्होंने अपने 20 वर्कर्स को जो इनके घर में काम कर रहे होते हैं, इनके पापा की इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, इन सभी को इन्होंने पे किया है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये सुर्खियों में बनी रहती हैं। और अभी हाल ही में फिल्म पुष्पा में ये अल्लू अर्जुन के साथ नज़र आने वाली हैं, इसलिए भी ये सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें, लव लाइफ को लेकर रश्मिका मंदाना की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी पहली फिल्म क्रिक पार्टी के हीरो के साथ इनके अफेयर की खबरें काफ़ी ज़्यादा चली, लेकिन रक्षित के साथ इन्होंने इंगेजमेंट भी की और कुछ दिन बाद इनकी इंगेजमेंट टूट गई। इनकी इंगेजमेंट टूटने की वजह बताई जाती है कि रश्मिका अपने करियर में और आगे जाना चाहती थी। फिलहाल इनके बारे में कोई भी खबरें सामने नहीं आती। वैसे तो लोग अफवाह में इनका नाम विजय देवरकोंडा के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी बात जो है ऑफिशियली नहीं आई है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।